मां मंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज के अध्यक्षता में साप्ताहिक मां मंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, मां मंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान समीर कपूर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे दिन को सजाता है सूर्य और रात को सजाता है चांद, वैसे ही मानव जीवन को सौंदर्य से युक्त करने का काम सद्गुरु करते हैं, लेकिन यह अनुपम उपलब्धि केवल सद्गुरु बनाने से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि सद्गुरु के चरणों का दास बन जाने के बाद ही मानव जीवन शोभायमान होता है। उन्होंने कहा कि संसार में चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो अथवा ध्यानी सिद्ध संत हो या कोई महान विज्ञानी, चिकित्सक हो या शिक्षक, कोई उद्योगी हो या व्यवसायी, जब तक उसे परमात्मा प्राप्त नहीं होते तब तक उसका जीवन गरिमा से युक्त नहीं होता। नवजीत भारद्वाज ने कहा कि जब सद्गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तब रास्ते का पत्थर भी मंजिल की सीढ़ी बन जाता है। इस अवसर पर राजेश महाजन, राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, भानु मल्होत्रा, केविन शर्मा, अमन सुखा, अजीत कुमार, अमित मल्होत्रा, पंकज बाबा खन्ना, सोनू छाबड़ा, अशोक शर्मा, अमरेंद्र सिंह, मुनीश शर्मा, एडवोकेट राजकुमार, बाबा जोशी, संजीव शर्मा, अमरेंद्र शर्मा, सौरभ मल्होत्रा, अश्विनी शर्मा, अमरजीत सिंह, मानव शर्मा, राजीव, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, साबी, लकी, सुनील जग्गी, प्रिंस राजन पठानिया, प्रवीण, गौरी शर्मा, रिंकू सैनी, सुनील कुमार सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की जेठा भी हूँ सेवा हूँ करके महामाई के दरबार के उत्ते भगतों का शेर से नाता लगा हुआ है और भगतों ने बड़ी श्रद्धा के भाव के नाल महामाई ने जोड़ा खबर जब किया और उसने आहूतियां पाई। मां मंगलामुखी जी सारे भगतों उत्ते मेहर भरिया हाथ रखन और उन्होंने तंदुरुस्तियां बख्शन के आहूतियां दे। इसके नाल मैं भी बेनती करना चाहना कि 24 तरीक दिन रविवार गणेश जी की मूर्ति स्थापना जी की जाएगी मंदिर परिसर के सारे भगतों को बेनती है कि वह सवेरे 8 बजे मंदिर परिसर के हाजिर हो के फिर महामाई का आशीर्वाद लैन और गणेश जी की मूर्ति स्थापना जो तशीर हो महामाई का वड्डा हवन जोड़ा वह भी उस दिन ही होएगा। 8 बजे सारे भगत जोड़े मंदिर पहुँचन, 8 बजे तो लैके 9 बजे तक मूर्ति स्थापना होएगी। उस तो बाद समरिया जी जोड़े है वो अपना भजन कीर्तन करेंगे और उस तो बाद वड्डा हवन जोड़ा है वो किया जाएगा। मंगलामुखी माता जी का बोल साचे दरबार की जय है। जय मां मंगलामुखी जी। अज मां मंगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौंक के स्थित है मां जगदम्बा के इस भव्य मंदिर के अज दिव्य हवन यज्ञ का जिहड़ा लड़ीवार सप्ताहिक हुंदा वो किया गया और मां के आशीर्वाद के नाल बड़ी बड़ी दूरों आई संगत ने इस शामिल होए है। महामाई के चरणों से यही अरदास बेनती है मां अपने भगतों के उत्ते मेहर भरिया हाथ रखो, शरीरक निरोगता दो, घर परिवार सुख शांति दो। विशेष रूप से मैं दसना चाहना 24 तरीक नूं वड्डा हवन यज्ञ है रविवार को, उस दिन ही गणेश जी जिहड़ा गणेश पर्व चल रहे है वो स्थापना की जाएगी गणेश जी की मूर्ति की और जी लगातार 5 दिन पूजा होएगी और अगले वीरवार को विसर्जन ब्यास के होएगा। मैं समूह संगत को करबद्ध प्रार्थना करदा कि सवेरे 8 बजे रविवार को पहुँच के महामाई के दरबार के उत्ते नतमस्तक होवो, गणेश उत्सव का आनंद लो। उस दिन संजीव सवरिया एंड पार्टी पहले दिन जिहड़ा वह सवेरे गुणगान करनगे। सोमवार रात, मंगलवार रात ते बुधवार रात को 8 to 10 प्रोग्राम होया करनगे संकीर्तन दे, उस तो बाद लंगर भंडारा। वीरवार सवेरे
संकीर्तन और हवन यज्ञ उपरांत विसर्जन होगा। जय माता दी, सारे पहुंचो और इस जिहड़ा मौके का ज्यादा तो ज्यादा लाभ उठाओ। जय मां बंगला।